450 नेता एक साथ शामिल। पार्टी ने जोरदार स्वागत करते हुए सभी को सदस्यता दिलाई। बता दें कि सभी लोगों का पार्टी में स्वागत करते हुए अरुण साव ने कहा कि यह पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए भी एक संकेत है कि पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि लोग भूपेश बघेल सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। साव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को उपलब्धियों और सुशासन ने पिछले 9 वर्षों में देशों में विश्वास जगाया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वही सभी के मुद्दे बहुत ज़्यादा अब उठ चुके हैं, क्योंकि तीनों राज्य में जोरदार रैलियाँ हो रही है और जिस तरीके से तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों शेष बचे हैं, उसके लिए सभी नेताओं ने अपना जोरदार रैलियाँ करना, संबोधित करना लोगों को और जिस तरीके से सभी को मनाना शुरू कर दिया है। तो देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो दोनों में फिर पलटवार बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उसी को लेकर आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 450 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी की रणनीति बहुत तेज हो चुकी है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है आपने वाली बात है कि आगे क्या होता है क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।